नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरकास्ट मैरिज एंड अफेयर के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं यार कि मेरी जाति दूसरी है, सामने वाले इंसान की जाति दूसरी है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रह सकते, लेकिन नहीं कर सकते शादी, ब्रेकअप करना पड़ेगा या फिर एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा केवल इस रीज़न के कारण कि हमारी जाति दूसरी है, या फिर हम अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, फैमिली का स्टेटस अलग अलग है, बस इस रीज़न की वजह से। यानी कि दो इंसान साथ में रहना चाहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी, और इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार कि समाज उन्हें अलाउ नहीं करेगा, या फिर फैक्ट है कि समाज अलाउ नहीं करता है, आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ये पूरे जितने लोग हैं आपके आसपास के वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और इस चीज़ को जान के बहुत दुख होता है कि जब आप राज़ी हो, सामने वाला इंसान राज़ी है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपके घर वाले ऐसे हैं जो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं साथ में रहने से, या फिर शादी करने से, या फिर पूरी ज़िंदगी साथ एक दूसरे का निभाने से। ठीक है, इस केस में क्या करें मेरे दोस्त? बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए, एकदम डिस्क्राइब करना चाहिए कि इशू कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, और इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो स्टार्ट करना चाहूँगा यार पहले के ज़माने से। पहले के ज़माने में ना इंटरकास्ट मैरिज और ये सब कुछ बनाया गया था, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या अलग अलग परिवार होते थे। जैसे एक खानदान है तो वो पूरा सोने का काम कर रहा है, सोनार हो गया, फिर एक लोहार है तो लोहे का काम कर रहा है, फिर एक माली का काम कर रहा है। तो अलग अलग चीज़ें ना अलग अलग लोगों को दी गई थी कि आपको ये काम निभाना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो पहले के लोग करते थे और उस वे में लोगों को फॉलो करते थे, क्योंकि यार अगर कोई लड़की किसी लोहार के घर जा रही है या फिर अगर कोई लड़की किसी सोनार के घर जा रही है तो उसको पता है कि काम क्या होगा और कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है। इसलिए पहले के ज़माने में लोग इंटरकास्ट वाली चीज़ें थी कि यार ये जाती है इसकी तो ये जाती, ये इसके घर जाएगी ये लड़की, या फिर ये ऐसा चल रहा है माली है तो माली के घर जाएगी, क्योंकि पता है कि काम क्या होता है। लेकिन आज के ज़माने में ये ज़रूरी नहीं है, आज के ज़माने में कोई भी कुछ भी कर रहा है, राइट। अगर आप बनिया हो तब भी आप डॉक्टर बन सकते हो, तब भी आप इंजीनियर बन सकते हो, तब भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज के ज़माने में जाति से मतलब नहीं है कि मेरी जाति ये है तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ, हालांकि कुछ काम है जो केवल जाति वाले लोग ही करते हैं, बट मोस्टली आजकल जितने भी काम हैं वो कोई भी कर सकता है और सब अलाउड हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के ऊपर कोई बाउंडेशंस हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर तुम ये काम नहीं कर सकते, या फिर देश के लोग तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे इस काम को करने के लिए, या फिर सरकार आपको मना कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इंटरकास्ट मैरिज का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है आज के ज़माने में, आप को किसी से भी शादी कर सकते हो। बस समाज में एक हमारे पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ें बैठा दी गई हैं कि समाज आपका ये, आपको इसमें शादी करनी है, आपके बच्चों की, आपके संतान की शादी इसमें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और बहुत ही सुपरस्टिशियस और एक माइंड वे में लेके जाता है। और आजकल लोग क्या क्या नहीं करते हैं यार, अगर आप देखें सोच समझ के तो आए दिन जो है खबरें आती रहती हैं, न्यूज़ आते रहते हैं कि यार वो दोनों, उन्होंने भाग के शादी कर ली, या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर उनको मरवा दिया गया, या फिर उनको पता चला कि उनकी बेटी का अफेयर किसी और से है, या फिर उनके बेटे का अफेयर किसी और से है, तो फिर कटवा दिया गया, जान से मार दिया गया, पेरेंट्स ही मार देते हैं कई बार, ऐसा भी होता है। तो क्या वो पेरेंट्स हैं, या फिर क्या वो एक अच्छी सोच है? कहाँ से ये चीज़ आ रही है? बस एक ईगो है हमारे माइंड में, हमारे पेरेंट्स के माइंड में, या फिर इस समाज के माइंड में, कि मेरा लड़का है तो बस इसी जाति में शादी होगी, मेरी लड़की है तो बस इसी जाति में शादी होगी, दैट्स इट। क्यों? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप शादी करो किसी दूसरी जाति में, दिक्कत है उनको समाज से, कि समाज वाले उनको कहेंगे कि आपके बेटे ने ऐसी शादी कर ली, आपकी बेटी ने यहाँ शादी कर ली, आपकी बेटी ऐसी है, आपका बेटा ऐसा है, और वो डरते हैं इस चीज़ से कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज के जो वरिष्ठ बुजुर्ग जो हैं वो क्या कहेंगे, जो कि अक्सर दूसरों की बहुओं और दूसरों की बेटियों के बारे में बात करते रहते हैं, वो क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक मैसेज रहेगा पेरेंट्स को कि यार समाज जो है ना वो उसकी बात मत सुनिए, समाज इडियट है, समाज आपका साथ नहीं देने वाला है। कल को अगर कोई बुरा वक्त आता है, बुरी मुसीबत की घड़ी आती है, तो समाज आपका साथ नहीं देगा, साथ देने वाले हैं आपके घर के लोग,
आपके आपके बेटे, आपकी बेटियां और कोई भी साथ नहीं देने वाला। समाज बस मजे लेने के लिए है, आपके पास अच्छा टाइम है, समाज आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके पास बुरा टाइम आएगा, समाज आपको छोड़ के निकल लेगा, ओके दैट्स इट। और ये बहुत ही बेसिक फंडा है, अगर आप मेरी बातों का यकीन नहीं करते हैं तो आप जाइए देखिए, समाज को ऑब्जर्व कीजिए कि समाज करता क्या है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक लेवल पे हैं, समाज आपको पूछेगा क्या हालचाल है सर आपके। और अगर आप एक डाउनग्रेड हो गए अपनी लाइफ में, समाज आपसे मतलब भी नहीं रखेगा, चल निकल, या मतलब नहीं है तुमसे। ये चीज़ें होती हैं मेरे दोस्त, अगर आप माने या ना माने। और इंटरकास्ट मैरिज को लेके अब एज एन एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं बनिया हूँ, ठीक है, कल को मेरे को एक लड़की पसंद आती है जो पंडित है, ठीक है, और वो लड़की मुझसे प्यार करती है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, फिर होता क्या है, मैं ये चीज़ें घर में बताता हूँ अपने, वो लड़की ये चीज़ें अपने घर में बताती है, फिर दोनों के घर में यू नो रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, कोई बेहोश होने लगा, कोई गोलियां खाने लगा, कोई ये करने लगा, कोई वो करने लगा, कोई सुसाइड करने लगा कि नहीं कैसे कर लोगे। क्यों? क्योंकि बस उनका जड़ जो है, उनका जड़ ये नहीं कि वो खुश नहीं रहेंगे, उनकी खुशी किस में है, उनकी खुशी है कि हम खुश रहें, उनकी खुशी है, बट समाज उनको क्या कहेगा, समाज का चक्कर है, समाज हमें कहीं गलत ना साबित कर दे, समाज की नज़रों में हमारी इज्जत डाउन ना हो जाए, हमारी इज्जत कम ना हो जाए, ये बहुत बड़ा चक्कर है। बाकी हमारा चक्कर नहीं है, हमारे पेरेंट्स तो हमें लेके खुश हैं, लेकिन वो बाउंडेड हैं समाज को लेके, और उनको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि समाज काम नहीं आता है किसी के भी, आपके काम भी नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हैं, समाज आपको अप्रिशिएट करेगा, चार जो आपके नेता हैं आपके आसपास रहने वाले, या फिर जो चेयरमैन है, ये है, वो है, वार्ड कमिश्नर है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर फिर कल को आपने कुछ गलत कर दिया, एकदम अगेंस्ट हो जाएंगे आपके, तो क्या वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट आपका वो कर रहे हैं कि हाँ, कल को अगर आज ही आपका आपकी लाइफ में कोई बुरा कंडीशन आया, कोई बुरी सिचुएशन आई, वो लोग साथ दे रहे हैं आपका। दैट्स व्हाट द सपोर्ट मींस, और यही सपोर्ट है मेरे दोस्त, समझे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे उसकी सामने वाले इंसान की जाति दूसरी है या फिर उसका धर्म दूसरा है, तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है आपकी, कि आपको डिपेंड होना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, कि मेरे को चार पैसे दे दो, नहीं, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, तब जाके लोग मानने वाले हैं। अगर मैं ये बात अपने पेरेंट्स से बताने वाला हूँ, अगर कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसकी जाति दूसरी है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विल कम उनके जो माइंड में आएगा कि तुम क्या करते हो और वो लड़की क्या करती है, आप लोग दोनों क्या करते हो। और अगर फिर ये चीज़ स्टक करेंगी कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो लड़की भी पढ़ाई कर रही है, घंटा फिर कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, बात है साफ। बुरा लगेगा, लग जाए, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो तो सामने वाले लोग मान भी सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो वो नहीं मानेंगे। और अपना लेवल आप बढ़ाओ ताकि आपको लोग दबा ना सकें। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, इंटरकास्ट अफेयर है आपका, अपना लेवल बढ़ाइए, अपना स्टेटस बढ़ाइए। अगर अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे, अपना स्टेटस नहीं बढ़ाएंगे आप, तो लोग आपको मरवा देंगे। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको मरवा दें, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बट हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वही मरवा दें, जो आपके शुभचिंतक हैं वही मरवा दें आपको, क्योंकि उनकी इज्जत उनके लिए ज़्यादा प्यारी है, उनकी जो झूठी इज्जत है, उनका जो झूठा शान है, वो उनके लिए ज़्यादा प्यारा है, वो उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है, आप कम मैटर करते हो, वो चीज़ है। तो अपना लेवल बढ़ाइए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक लेवल पे आइए कि जहाँ आपको कोई परेशान ना कर सके, जहाँ आपको कोई रोक टोक ना सके। यू नो, हम देखते हैं कई चीज़ें कि देखो, हम अगर फिल्म के हम बहुत बड़े दीवाने हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, ठीक है, हमें बहुत पसंद है मूवीज़ देखना, हमें बहुत पसंद है बॉलीवुड की मूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि इसने इससे शादी कर ली, इसने इससे शादी कर ली, हिंदू की शादी मुस्लिम से हो गई, वहाँ पर कोई कुछ क्यों नहीं कर पाता है, जानते हैं क्यों? उनका लेवल बड़ा है, उनका लेवल बड़ा है मेरे दोस्त, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उनका लेवल अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसा हो ना, तो लोग मार डालेंगे, लोग काट डालेंगे, इतने हरामी लोग हैं आज के ज़माने में, आपको पता भी नहीं होगा। तो अपना लेवल बढ़ाइए, आपका जो लेवल है, आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो बढ़ाइए, कि यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपकी एक शक्ति बढ़ेगी, ताकि आपको कोई दबा ना सके। सामने वाले इंसान को हमको नहीं दबाना है, ताकि आपको कोई दबा ना सके। इस चीज़ के लिए आप दोनों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। यू नो, एक कोट में पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बी अ बॉस, डेट अ बॉस एंड बिल्ड एन एम्पायर।